कल हम आए थे ले से सुमडो, और सुमडो के बाद हम गए सुमोरी लेक और वहाँ पे फोटोग्राफी करी, और वहाँ भी बहुत ठंड थी। कल तो इतनी जबड़ी जबरदस्त ठंड थी, बता नहीं सकते, माइनस में था कल तो, लेकिन नींद बहुत बढ़िया आई। तो आज का प्रोग्राम बता देता हूँ। आज हम जाएंगे हनले, वहाँ स्टे करेंगे, और पुगा है यहाँ से थोड़ी 8-10 किलोमीटर, पुगा भी है एक जगह, काफ़ी खूबसूरत है, मैं वीडियो में देखा है, तो उसको भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। बस अब मैं तो नहा धो के तैयार हो गया, भाई अभी गए हैं बाथरूम नहाने धोने, तैयार हो जाए फिर हम निकलते हैं ब्रेकफास्ट करके। तो गाइस ये हमारी बाइक्स खड़ी हैं ये दोनों, और ये अमीर भाई की खड़ी है अपनी गाड़ी, और हमारा रूम दिखा देता हूँ। कल मैंने रूम नहीं दिखाया था आपको, ये है रूम, अटैच टॉयलेट, ठीक है, काम चला हुआ है। 2,500 में विद फूड 2 पर्सन के लिए दिया भाई ने। तो बस अब रेडी होते हैं गाइस, वी आर रेडी टू राइड, हमारी बाइक रेडी है, और ये हमारी कपिल भाई की भी रेडी है, अमित भाई की भी रेडी है। अब सीधा जा रहे हैं हम पुगा। पुगा में हॉट वाटर स्प्रिंग है और ग्रीनरी बहुत अच्छी है वहाँ पे, और चलने में बहुत मज़ा आता है, बहुत सारी वीडियो में हमने देखा था, मैं कहा यार जाना ज़रूर है। तो आज का ये प्लान है, पुगा जाएंगे, उसके बाद हनले स्टे करेंगे, हनले में ऑब्जर्वेटरी है हाईएस्ट, वो देखेंगे, और फिर वहीं स्टे करेंगे, कल सुबह फिर जाएंगे उमिंगला पास। तो बस निकलते हैं अब पुगा के लिए। तो हम थे मोरेरी रिसोर्ट एंड रेस्टोरेंट, ये तो ये रूम था हमारा, रूम काम चला हुआ था, इतने बढ़िया तो नहीं थे, अभी क्या रहा काम चल रहा है इनका। तो यहाँ पे ये कैंपिंग साइट भी है, अगर आप ओवरलैंडिंग करते हैं कैंपिंग कर सकते हैं यहाँ पे, ये आपको जगह देते हैं नॉमिनल प्राइस में 200-300 रुपये 500 रुपये में। और ये था सुमडो, सुमडो से अब हम जाएंगे पुगा, जो कि 7 किलोमीटर बता रहे हैं, 7 किलोमीटर, तो इतनी दूर आए हैं तो देखते हैं। तो जनचौक से हम राइट साइड को आ गए हैं, पुगा की तरफ जा रहे हैं। तो ये गांव है डेंचो का ही गांव होगा आई थिंक, और यहाँ पे भी आई थिंक होम स्टे मिलने चाहिए। जनरल टी स्टॉल पार्किंग, नीचे देखो पूरा आइस जमी हुई है, हॉट वाटर स्प्रिंग है एक तो देखने को, और एक ग्रीनरी, बहुत प्यारी ग्रीनरी है वहाँ पे, ग्रीन ग्रीन। और ये सामने का व्यू देखिए, सारे लद्दाख की माउंटेन्स। इस साइड बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है इस साइड, सुमेरेरी हनले पेंगोंग ये साइड पूरी ठंड है बहुत ज़्यादा। तो हम पहुँच गए हैं पुगा, और ये ग्रीनरी आपने कई वीडियो में देखी होगी, लेकिन उतनी बढ़िया नज़र नहीं आ रही है जितनी वीडियो में दिखाई दे रहा है। पूछते हैं, ये पूरा पुगा है, पुगा विलेज, फेमस फॉर ग्रीन ग्रास एंड फाउंटेन्स, जो गर्म फाउंटेन निकलते हैं वो उसके लिए फेमस है यहाँ पुगा। तो गाइस हम हैं अभी पुगा में, ये देखिए ग्रास अभी पूरी तरह ग्रीन नहीं हुई है, या तो बारिश नहीं हुई है, तो इस तरह से है पुगा। और वो सामने हॉट स्प्रिंग है, अब वहाँ पे पानी बहुत है, अब पता नहीं कैसे जाया जाएगा जाने का। ये है पूरा रास्ता पुगा का, ये तो ये है असली पुगा जो हमने वीडियो में देखा है, और ये हॉट वाटर स्प्रिंग में हम पहुंच गए हैं। ये सामने ज़मीन से निकल रहा है गर्म पानी का स्रोत, ये है गर्म जोले जोले
दिल्ली से। ये गर्म पानी है ना, वाओ नेचुरल हॉट वाटर। तो गाइस मैं हूँ अभी पुग्गा में और ये हॉट वाटर स्प्रिंग ब्यूटीफुल, बहुत ही शानदार है यार। और ये चारों तरफ का व्यू, कितनी ग्रीनरी यहाँ पे, ड्यू टू ये मिनरल्स काफ़ी नीचे से आते हैं और बहुत ही अच्छे यहाँ पे ग्रीन ग्रास है, बहुत ही है प्यारे। और ये हमारे भाई बंधु खड़े हैं उधर, ये माउंटेन है चारों तरफ। तो अब हम जाएंगे हनले, हनले पे स्टे करेंगे और कल फिर जाएंगे उमगला पास और आज ऑब्जर्वेटरी देखेंगे और भी एक दो देखते हैं वहाँ पे कौन से फेमस प्लेस हैं। तो पुग्गा से हम निकल पड़े हैं हनले के लिए और ये रास्ता पुग्गा वाला रास्ता जाता है सीधा मनाली को। अभी कई गाड़ियाँ गई हैं मनाली के लिए। हमारा प्लान था जब हमने आइटनरी बनाई थी तो लास्ट में हमने करना था सुमारेरी, फिर इसके बाद पुग्गा और यहाँ से मनाली निकल जाना था, लेकिन सब गड़बड़ हो गया ड्यू टू जो स्नोफॉल हुई है ख़तरनाक, हमें सब रिवर्स करना पड़ रहा है, नहीं तो यहाँ से मनाली जाना था नए रास्ते से। तो हम आ गए हैं माही ब्रिज पे, इसको क्रॉस कर रहे हैं। किधर जाना है? एंट्री करा दे। रुको। क्या हुआ? रुको रुको। क्या हुआ? अभी मना करे ना। तो हम लेट हो रहे हैं भाई, खड़े थोड़ी रहेंगे। तो सारे के लेट हो रहे हैं ना। बाइक है ये, कोई वो थोड़ी है। हो गया एंट्री करा दिया। हाँ ना, माहे ब्रिज पे हमें एंट्री करानी पड़ती है, एग्जिट भी करानी पड़ती है और जब आप जाएंगे तब रजिस्टर भी कराना पड़ता है व्हीकल और आपको परमिट भी दिखाना पड़ता है यहाँ पे। तो आगे न्योमा में पेट्रोल पंप है तो पेट्रोल बटन डलवाना है, मेरा बस एक पॉइंट रह गया है, 9 लीटर एक्स्ट्रा पेट्रोल है लेकिन उससे काम चलेगा नहीं। कल 180 या 200 किलोमीटर तो कल ही हमारा चल जाएगा जब हम जाएंगे उमिंगला पास और उसके बाद हल्ले आएंगे, तो फिर वापस फिर जाना हमने पेंगोंग लेक, तो पेट्रोल तो है नहीं बिल्कुल, तो अभी टैंक फुल कराना बहुत ज़रूरी है। हल्ले अरे माया चेक पोस्ट पे एमपी 09 वाला है क्या? कौन? नहीं कहाँ होए उमंगला होए, सही है रोड, सही है, बर्फ तो नहीं है? थोड़ी सी हल्की थी, बर्फ तो नहीं हो, नहीं होगी ना रोड पे। तो कितना टाइम लगता है आने जाने में? क्या? आने जाने में कितना टाइम लग जाएगा? हाँ हाँ पूरा एक दिन। सुबह जाओगे 5-6 बजे तक निकल जाओगे क्या? सुबह 9 बजे निकलना है मनाली, आपको जाना है मनाली। आगे माही ब्रिज से रास्ता जाता है शॉर्ट, आगे माये ब्रिज आएगा, 12 लाचा ओपन है, ओपन है, नहीं ओपन है, 4-व्हीलर के लिए ओपन है, ओपन है। हाँ माये के अगर शॉर्ट में जाना है तो माये ब्रिज से रास्ता जाता है, ये आगे माये ब्रिज आएगा वहाँ से रास्ता जाएगा सीधा। हमारे पीछे चलिए, हम वहीं जा रहे हैं, हम माये मुड़ मुड़ जाएंगे चुंडो तरफ और आप उधर चले। वाले भाई मिल गए हमें फिर दोबारा और ये जाता है कक्सांगला लोमा राइट को जाएगा, नेमा राइट को जाएगा, माहे नुनको है। अनले कहाँ रुके थे? अनले में आमा, आमा,
अम्मा कॉटेज मेन रोड से लेफ्ट अंदर जाके नंबर चाहिए। हाँ नंबर नोट कर लियो। तो माहे से पेंगोंग के लिए रास्ता जाता है काकसंगला होते हुए, इसमें दो पास आएंगे तो हम यहाँ से भी जा सकते हैं और आगे से भी रास्ता है रजांगला वाला रास्ता। दो रास्ते हैं पेंगोंग जाने के और चुसुल बीच में मिलेगा, दोनों जगह चुसुल में ये मिलेगा। ये पक्का रोड है, वो शायद कच्चा रोड है। तो देखते हैं हम इस पे जाएंगे, हम काकसंगला वाले पे। सो ब्यूटीफुल, ये देखिए यार क्या व्यू है, क्या रास्ता है, अमेजिंग है, अमेजिंग, ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल, मजा आ गया देख के। तो हम पहुंच गए हैं नियोमा विलेज और यहाँ पे पेट्रोल पंप होना तो चाहिए, पता करते हैं पेट्रोल पंप मिल जाएगा, नहीं तो काम ब्लैक में लेना पड़ेगा, 9 लीटर से काम नहीं होगा। कल 200 किलोमीटर कल राइड करनी है, उसके बाद पेंगोंग लेक भी कम से कम 100 किलोमीटर होगा, 300 किलोमीटर में 9 लीटर में। ये पेट्रोल पंप है यहाँ आसपास, आगे जाके 2-3 रोड पे लेफ्ट साइड मिलेगा, इसी रोड पे है ना। थैंक यू। ये सारे बाइकर्स आए हुए हैं। एट लास्ट हम पहुंच गए हैं वर्ल्ड हाईएस्ट अल्टीट्यूड रिटेल आउटलेट 13,684 फीट पे, विलेज नियोमा लेह लद्दाख। नियोमा में भी पेट्रोल पंप खुल गया है, जस्ट 5 महीने पहले ही खुला है, लेकिन कई बार यहाँ पे पेट्रोल देर से पहुँचता है तो कई बार नहीं मिलता, लेकिन ऑलमोस्ट यहाँ पे पेट्रोल मिल जाएगा। तो हम ले से आए थे और सोमोरेरी लेक कर ली, पुग्गा कर लिया और अब जा रहे हैं हल्ले को इस तरफ। यार मज़ा आ गया, ग्रेट, बहुत शानदार व्यू है। तो नियोमा से हम निकल गए हैं, पेट्रोल टैंक फुल करा दिए हैं और जेरिकन भी फुल है, तो काफ़ी हमारे पास फ्यूल हो गया है। कल जाना है मिंगला पास और पूरा दिन लगने वाला है, सुबह कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी निकलें, 7 बजे तक निकल जाएं और रात को 7 बजे तक ही वापस आएंगे। 12 घंटे लगने वाले हैं, है तो किलोमीटर कम लेकिन रास्ता बड़ा वो ख़राब है तो इस वजह से टाइम लगेगा। पहुँच गए हैं लोमा ब्रिज, तो यहाँ से एक रास्ता जाता है पेंगोंग को, ये वाला कच्चा रास्ता है कैफे लोमा, तो यहाँ पे भी चेकिंग होगी आई थिंक। तो गाइस लोमा ब्रिज को मैं सेकंड टाइम पार कर रहा हूँ, पिछली बार हम आए थे पेंगोंग से और चुसुल से होते हुए आए थे पेंगोंग, और ये लोमा ब्रिज है एकमात्र हल्ले के लिए, एक साथ में दूसरा ब्रिज भी बन रहा है। तो ये है रंगो विलेज, इससे पहले हमने क्रॉस किया है नियोमा विलेज, और नियोमा ब्रिज भी था नियोमा विलेज भी था। ये पूरा ग्रुप लग रहा पंचर होगी बाइक। तो इस तरह के विलेज है हर जगह लद्दाख में, मिट्टी के पत्थर के इस तरह के आपको विलेज मिलेंगे देखने को। व्यू देख लीजिए सामने का, बीच में बहुत बड़ा मैदान है, रेत का मैदान है, पूरा रेत ही रेत है, और इंडस रिवर साथ में बह रही है और बिल्कुल स्ट्रेट रास्ता है, ये ज़्यादा जिगजग नहीं है, स्ट्रेट है ज़्यादातर, और चारों तरफ के पहाड़ देखिए ऊँचे ऊँचे पहाड़। तो हल्ले यहाँ से 28 रह गया, अब हर 4-5 किलोमीटर के बाद थोड़ा थोड़ा इसका चेंज हो जाता है लुक, ये तो जो भी है। तो ये ऊपर है मोनेस्ट्री, हल्ले मोनेस्ट्री, और जितनी भी मोनेस्ट्री आपने देखी होंगी सब ऊंचाई पे होती हैं, ड्यू टू मेडिटेशन, एकांत में दे नीड मेडिटेशन। और यहाँ पे मैंने फ़ोटो खिंचाई थी हल्ले 1 किलोमीटर। तो काफ़ी जद्दोजहद के बाद हमें रूम मिल गया है, कम से कम 1 घंटा हमें धक्के खाए हैं। कहाँ चले गए भाई लोग,
तो 2500 रुपये में एक कमरा मिला है दो लोगों के लिए विद फूड। हमने दो कमरे बुक करा लिए हैं 2500 पर रूम विद लंच विद डिनर एंड ब्रेकफास्ट। तो ये है अम्मा होम स्टे। ये लगा दे। तो ये है आज का हमारा कॉटेज। विद अटैच बाथरूम। लकड़ी का बना रखा है सारा जुगाड़। तो गाइस हम पहुंच गए थे हल्ले लगभग 2-2.5 बजे और एक घंटा पूरा होम स्टे ढूंढने में लगा। तो अब हम आए हैं ऑब्जर्वेटरी देखने जो कि हल्ले के हाई माउंटेन पे है। तो ये है ऑब्जर्वेटरी, ये देखो। और ये अंदर जाने का रास्ता है आई थिंक। अंदर का व्यू दिखा देते हैं। ये जो टेलीस्कोप है स्टार गैलेक्सी सुपरनोवा ये उस पर रिसर्च होते हैं जो करने के लिए ये टेलीस्कोप है। तो रात को ये पूरा शटर है ना, ये शटर डोर का ऐसे ओपन होता है कर सकते। तो फिर ये टेलीस्कोप भी पूरा रोटेट कर सकते हैं ऐसे अजमुत और एलिवेशन आप डोंट होते हैं ऐसे। ऑपरेट कहाँ से? बेंगलोर से होती है। हाँ पूरा जो रिमोट कंट्रोल वहीं से ऑपरेट वहीं से ऑपरेट करते हैं ना साइंटिस्ट सारे। बस हम लोग नहीं देख सकते। हाँ हम लोग नहीं देख सकते यहाँ से। तो फिर ये डोम के साथ एलन काट के फिर जहाँ भी ऑब्जेक्ट होगा ना उस तरफ वो कर देते हैं, मूव कर देते हैं, रोटेट होता है ना पूरा। ये टेलीस्कोप का नाम है हिमालय चंद्रा टेलीस्कोप। हिमालय चंद्रा टेलीस्कोप। ये वर्ल्ड की तीसरी हाइट पे है ना, ये थर्ड हाईएस्ट। इंडिया तो फर्स्ट ही है। जो वर्ल्ड का अभी इंफ्रारेड ऑप्टिकल में तो सेकंड है। सेकंड है इंफ्रारेड ऑप्टिकल है। अच्छा हाँ जी। पहले ये 2008 तक ये वर्ल्ड हाईएस्ट टेलीस्कोप था। हाँ 8 तक हाईएस्ट था। उसके बाद फिर ये साउथ अमेरिका में चिली में बना थे। अमेजिंग अमेजिंग। जो सबसे बड़ी टेलीस्कोप है उसको तो हमने देख लिया है। ये सेकंड वाली है छोटी वाली जो अभी बंद हो चुकी है। 5:30 का टाइमिंग है, सुबह 8 से शाम 5:30 तक विजिटर आवर्स हैं यहाँ पे। अब 5:30 से ऊपर हो गया इसलिए ये बंद हो गई है। तो अब चलते हैं सीधा अपना होम स्टे में, वहाँ बस अब रेस्ट करते हैं। कल सुबह जल्दी निकलेंगे 7 बजे के आसपास उमिलिंगा पास के लिए। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा एक कमेंट जरूर करना। बहुत तेज आवाज़ चल रही भाई। और कोई भी मेरा नया व्यूअर्स है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और अंत में दोस्तों राइड हार्ड राइड से वंदे मातरम। जय हिंद सायोनारा।